हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सी एन नवनीत मुंद्रा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और एक और वीडियो एफएम गुरु ज्ञान का सेकंड वीडियो है ये आपके लिए। इससे पहले मैंने एफएम का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझाया है और कॉस्ट अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स का सीरीज आप हमारे चैनल में देख ही रहे हो। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इको को लेके जितने भी मन में डाउट्स है, जितने भी बातों के लेके आपको हमसे कुछ डाउट पूछना हो तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इको एफएम सबका मैराथन आपके लिए लिया गया है तो वो मैराथन जरूर से रेफर कीजिएगा। और इको का मैराथन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जरूर से देख के रखिएगा ताकि आपको सारी बातें रिवाइज हो सके। आइए एक एक करके बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके इस बार के एफएम इको में 40 नंबर के लिए। सबसे पहले नेशनल इनकम, जो कि मैं दो यूनिट में ब्रेक करता हूं, यूनिट वन और यूनिट टू में, 7 मार्क्स और 6 मार्क्स में। 7 मार्क्स में आना चाहिए यूनिट वन का टॉपिक, 2 नंबर का नेशनल इनकम का डेफिनेशन और 5 नंबर के लिए नेशनल इनकम का कंप्यूटेशन, यानी नेशनल इनकम के बड़े सम्स जीडीपी एनएनपी एफसी निकालने के ऊपर। यूनिट टू से अगर 6 मार्क्स का कोई टॉपिक मेरे को लगता है तो वो है मल्टीप्लायर का सम्स, यानी कोई भी तरीके का मल्टीप्लायर, और अब तो टैक्स के साथ साथ वाला भी इंपॉर्टेंट हो गया है, और रिसेशनरी गैप के ऊपर शॉर्ट नोट। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक है तो वो है लिमिटेशन ऑफ एनआई यूनिट वन से। मैं अदर्स में कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी आपको बोलता हूं पढ़ के जाने में, वो है नेशनल इनकम में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और इनकम मेथड एक्सप्लेनेशन, यानी इनकम मेथड के ऊपर एक्सप्लेनेशन करने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं इको में थ्योरी मैक्सिमम 3 नंबर का आ सकता है, प्रैक्टिकल फिर भी 5 नंबर का पूछ सकता है, तो उसकी वजह से ज्यादा आपको बुकिश लैंग्वेज याद नहीं करना, आपको एकदम कंसेप्चुअल लैंग्वेज लिख के आना है पहला। दूसरा, कई बच्चों का मैं आंसर स्क्रिप्ट में देखता हूं कि इको में वो क्या करते हैं ना, वो डायग्रामेटिकली समझा के आ जाते हैं। डायग्रामेटिकली मतलब क्या सर? कोई भी नोट्स को ऐसे जैसे बचपन में समझते थे वैसे लिख के आते हैं, नहीं, आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है कोई भी आंसर। हाँ, डायग्राम अगर उसमें बन सकता है तो जरूर बनाओ, बट आंसर का राइटिंग कोई डायग्राम में या फिर कोई ग्राफ से या कोई पैटर्न से समझाने का कोशिश मत करो, उनको पैराग्राफ में लिखो, आपके लिए एलिजिबल और एक स्टैंडर्ड रूल है जो आपको फॉलो करना है हर पेपर में, तो ये काम आप ना करें इको में भी। फाइन सर। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस में यूनिट वन में अगर मैं बोलूं तो 2 से 3 नंबर का टॉपिक अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है रिसोर्स एलोकेशन का फंक्शन और एक इक्वालिटी ऑफ इनकम। इस बार के लिए मैं हर टर्म आपके लिए वीडियो बनाता हूं जिसमें मेरे को लगता है आपके लिए फंस जाएगा बात। मैंने पिछली बार भी ये वीडियो बनाया था और उसमें कुछ अलग अलग बातें बोली थी, तो इस बार जो मैंने चेंजेस किया मेरे को जो लगता है एनालिसिस करके वो मैंने यहां लिखा है। इसके अलावा यूनिट टू में मोनोपोली पावर आने का चांस इस बार बहुत ज्यादा है कि कैसे मोनोपोली पावर डिस्टर्ब करता है हमारे इस पूरे इन्वायरमेंट को, यानी पूरे इकोनॉमी को, और एक्सटर्नलिटीज के ऊपर तो मैं हर टर्म बोलता हूं पढ़ के जाने, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो 5 में नहीं तो 4 बार पूछना चाहिए आईसीएआई को। उसके बाद फ्री राइडर प्रॉब्लम एक अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार 2 नंबर के लिए, और कॉमन एसेस रिसोर्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट 2 नंबर के लिए। इसके बाद यूनिट 3 में अगर जाए तो प्राइस सीलिंग, यानी मोनोपोली पावर को ही कम करने का जो तरीका है वो जरूर से पढ़ के जाइएगा, और पिगुअन टैक्सेस के ऊपर शॉर्ट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा डीमेरिट गुड्स के ऊपर शॉर्ट नोट और उसके इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के तरीके। यूनिट 4 में 2 से 3 नंबर के लिए यूज ऑफ बजट, यानी जो पब्लिक बजट आता है, जो फाइनेंस बजट आता है, उसको कैसे यूज करके गवर्नमेंट अपना पॉलिसीज फ्रेम करता है, कॉन्ट्राडिक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी, और क्राउडिंग आउट इफेक्ट के ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा चांस है इस बार लैग्स के ऊपर क्वेश्चन आने का, यानी आपको कोई भी तरीके का जो लैग्स होता है उसको एक्सप्लेन करने का, जैसे कि रिकग्निशन लैग और इंपैक्ट लैग, ये सब के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अदर टॉपिक्स में अगर मेरे से कुछ पूछो तो क्वाजी गुड्स, यानी सेमी प्राइवेट सेमी पब्लिक गुड्स, और कंटेगन इफेक्ट क्या होता है वो समझाने आ सकता है। इसके अलावा मनी मार्केट चैप्टर में यूनिट 1 से 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा तो वो केंशन थ्योरी के ऊपर, यानी स्पेक्युलेटिव मोटिव और एक ट्रांजैक्टिव मोटिव के ऊपर क्यूटीएम के सम्स आने के चांस भी है, नहीं तो केंशन का टॉपिक आ सकता है लिखने के लिए। यूनिट 2 में 3 से 4 नंबर के लिए थ्योरी टॉपिक में बोलूं तो हाई पावर्ड मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक दिस टर्म। इसके अलावा MM, यानी जितने भी MM1, MM2, MM3, MM4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स निकालने के तरीके हैं उसके सम्स।
यूनिट थ्री से मल्टीप्लायर के सम, जो यूनिट वन यूनिट टू यूनिट थ्री में, यूनिट टू थ्री के कॉमन पार्ट में आता है मल्टीप्लायर का सम्स, यानी मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर के सम्स। इसके अलावा सीआरआर वर्सेस एसएलआर और रेपो रेट और एलएएफ के ऊपर शॉर्ट नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे बातें मैंने बताई है, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा कैम्ब्रिज के निकालने का मतलब और क्या होता है वो, और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग दी डिमांड ऑफ मनी, ये छोटे से दो टॉपिक है जो आप अदर्स में देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड में यूनिट वन में तीन से चार नंबर के लिए एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टर्म के लिए, और वो जरूर से पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा नॉन ट्रेड मतलब न्यू ट्रेड थ्योरम, सॉरी न्यू ट्रेड थ्योरम्स जो कि अभी नए चलन में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और जो अपने देखते हैं कि कैसे हम डिमांड इन्फ्लुएंस होके खरीदते हैं वो चीज, वो जरूर से पढ़ के जाइएगा। फाइन सर, इसके अलावा यूनिट टू में, यूनिट टू में अगर आप बोलो मेरे को तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिगर प्राइस मैकेनिज्म और फाइटोसैनिटरी मेजर्स इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी नॉन ट्रेड बैरियर्स में। इसके अलावा वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंस जरूर से पढ़ के जाइएगा। यूनिट थ्री में तीन नंबर के लिए WTO का प्रिंसिपल, जिसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला पॉइंट जरूर से अच्छे से करके जाइएगा, और WTO के कमिटी में कौन कौन होते हैं, किस लेवल्स में फैले हुए हैं वो वाला बात। यूनिट फोर में तीन से चार नंबर के लिए इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट्स और हार्ड पैक्ड रेजिम्स के बारे में, और लास्ट डेप्रिसिएशन वर्सेस डिवैल्यूएशन का टॉपिक। यूनिट फाइव में तीन नंबर के लिए FDI के जितने फॉर्म्स होते हैं, जितने टाइप्स होते हैं, फॉर्म्स और टाइप्स अलग अलग है याद रखिएगा, और डेफिनेशन। तो ये फॉर्म्स और टाइप्स में बच्चे कई कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये बात लिखा है कि अलग अलग है, आप जरूर से पढ़ के जाइएगा। अदर देन दैट टर्म्स ऑफ ट्रेड का सम्स और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में अलग से पढ़ सकते हैं आप। इस पूरी बात को अगर आप पढ़ के जाओगे मेरे को लगता है इको में आपका 100% कवरेज हो जाएगा, जिसमें भी आपको एक क्वेश्चन ऑप्शन रहता है तो टेंशन का बात नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबडी, होप आपके लिए ये रिसोर्स बहुत ही यूजफुल हुआ हो, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर शेयर कर दूंगा। टाटा बाय।